साल 1947 में पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ था और उस टाइम पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम भारत से ज्यादा थी। पर साल 1998 में पाकिस्तान ने ऐसी क्या गलती की कि उसकी जीडीपी धीरे धीरे कम होने लगी। उस साल ऐसा क्या हुआ था कि पाकिस्तान का ग्रोथ रेट धीरे धीरे कम होने लगा और आज के टाइम में पाकिस्तान एक कंगाल देश बन चुका है जहाँ पर महंगाई अपने चरम पर है। सरकारी कर्मचारियों का पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं है, लोग खाने पीने के लिए तरस रहे हैं और पाकिस्तान के हुक्मरान बाहरी मुल्कों से भीख मांगने के लिए मजबूर हो चुके हैं। मैं खत्म कर दो, हमें नहीं चाहिए आटा, नहीं चाहिए हमें जो 11 बजे तक टाइम दिया हुआ था। साल 1998 की बात है, पाकिस्तान न्यूक्लियर बम का टेस्ट करता है पर पाकिस्तान को नहीं पता होता कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दिया था। इस गलती का खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। G8 ग्रुप में शामिल देशों ने पाकिस्तान पर कई तरह की कॉमर्शियल रेस्ट्रिक्शन लगा दी जिसके चलते पाकिस्तान व्यापारिक समस्याओं से जूझने लगा। इस वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को काफी तगड़ा झटका लगा। साल 1998 में पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट महज 2.55% रह गया। पाकिस्तान की इस एक गलती ने उसकी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब बटन को दबा दो और वीडियो को भी एक लाइक जरूर से कर दो। तो अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। पाकिस्तान की हालत काफी ज्यादा खराब थी और बाकी बची कुची कसर कारगिल वॉर ने पूरी कर दी। 2002 की बात करें तो अमेरिका ने पाकिस्तान को $11 बिलियन भेजे थे। 2003 से लेकर 2007 के बीच पाकिस्तान की इकोनॉमी 5% से ज्यादा बढ़ रही थी क्योंकि बाहरी मुल्कों ने पाकिस्तान में निवेश किया था। पाकिस्तान ने उस दौर में तरक्की तो की लेकिन कोई दीर्घकाल की नीति न होने के चलते पाकिस्तान का अच्छा दौर भी खत्म होते चला गया। 2007 और 2008 में पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट पिछले साल के मुकाबले 37% तक नीचे चला गया जिसके चलते यूसुफ राजा गिलानी की सरकार ने IMF से $7.6 बिलियन का कर्जा लिया। फिर साल 2010 में आई भीषण बाढ़ ने पाकिस्तान के बुनियादी और एग्रीकल्चर सेक्टर को काफी नुकसान पहुंचाया। 2013 में पाकिस्तान का 100 रुपया $1 के बराबर हो गया, मतलब 108 रुपए स्तर को छू गया। 2013 से 2018 के बीच पाकिस्तान की हालत कागजों पर तो सुधरती दिखी लेकिन IMF, चीन और बाकी कई देशों से लिया गया कर्जा पाकिस्तान को अंदर ही अंदर खोखला करते चला गया। 2018 में पाकिस्तान की सत्ता इमरान खान के हाथों में चली गई जिसके बाद फिर से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी। इसके चलते पहले सऊदी अरब, अमेरिका और उसके बाद चीन से पाकिस्तान ने कर्जा लिया। पाकिस्तान के हुक्मरान यही पर नहीं रुके, हालत खराब होते देख पाकिस्तान ने IMF से 2019 में $1 बिलियन का कर्जा लिया। फिर कोरोना महामारी ने पाकिस्तान की बची कुची उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया और आजादी के बाद पहली बार पाकिस्तान का GDP 1.30% माइनस में चला गया। पाकिस्तान को सुधारने चले इमरान खान ने देश को भीषण कर्ज में डुबो दिया। अब सेवा शरीफ डूबते पाकिस्तान को बचाने के लिए जेनेवा से $10 बिलियन का कर्जा लेकर लौटे हैं। हुक्मरानों के कर्जा लेने की इस आदत के चलते पाकिस्तान आज $290 बिलियन के कर्जों के तले दब चुका है जो उसकी जीडीपी का 79% है। लेकिन इसके पीछे दोष किसका है? पाकिस्तान के हुक्मरानों का, पाकिस्तान की आर्मी का, आतंकवादियों को पालने का कि फिर से कर्जा लेकर खींचाव वाले पाकिस्तानी नीतियों का? मानो या ना मानो पर पाकिस्तान ने आतंकवादियों को बढ़ावा देकर खुद के ऊपर कुल्हाड़ी मार दी है। पाकिस्तान की खराब नीति, पाकिस्तान के हुक्मरानों की लालच और ऐसे ही कई गलत डिसीजन ने पाकिस्तान को आज एक कंगाल देश बना दिया है। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तान की 1998 की सबसे बड़ी गलती जिसके बाद पाकिस्तान धीरे धीरे कंगाल देश बनते चला गया और आज पाकिस्तान की आवाम दाने दाने के लिए मोहताज है। तो आप
से आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर से बताना और वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।